हे गाइस वेलकम बैक करता हूँ इस ब्रांड न्यू ब्लॉग में। सो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था तो मैं थोड़ा फ्री माइंड से ब्लॉग कर रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। और कल मैंने ब्लॉग नहीं करा था क्योंकि हमारे पास एक बोनस ब्लॉग पड़ा हुआ था, मैंने दो कंटेंट शूट कर लिए थे। तो सोमवार को जो ब्लॉग मैंने शूट नहीं करा उसकी जगह वो डाल दिया। सो आज है ट्यूसडे तो हम ट्यूसडे को ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। एक दिन का रेस्ट हो गया मेरे लिए क्योंकि डेली ब्लॉग कर रहा था तो बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैंने कहा चलो एक दिन रेस्ट कर लेते हैं, हम बोनस ब्लॉग संडे को मैंने शूट कर लिया था इसीलिए। सो अभी का क्या सीन है कि अभी जाता हूँ और आता हूँ वहाँ से। सो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे और कल हमने ब्लॉग ही करा था उसमें कुछ अजीब सा लग रहा था मेरे को कि मैंने कुछ मिस कर रहा हूँ। सो सबसे पहले मैं मिलाता हूँ आपको कोकू से। आलू के बीच में भाई इसको बुलाना मतलब आफत बुलाना भाई मस्त देख रहे हो। मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं है इसको, बस अपने आलू से मतलब है भाई। इस तरीके से मुझे घर में इग्नोर करा जाता है। आज थोड़ा यूनिक तरीके से ब्लॉग कर रहे हो तो सबसे पहले बनाना चाहूँगा मम्मी से। मम्मी हमेशा खाने में बिजी रहती है और मम्मी ने बनाई है आज कोई मस्ती सब्जी बना ली। मम्मी खाने में बिजी रहती है हमेशा, मम्मी की कोई छुट्टी नहीं होती है ना मम्मी? मम्मी की कोई छुट्टी नहीं होती चाहे संडे मंडे, और मेरी मम्मी हमेशा यही ताने देती हैं कब मेरी छुट्टियों के दिन आएंगे, उसमें टाइम मम्मी अभी। एंड उसके बाद मैं मिलाना चाहूँगा अपनी बहन से जो हमेशा नखड़े दिखाती है। ओ विधि हेलो, तुझे एक खबर पता लगी है हाल ही में? तुझे खबर नहीं पता लगी? नहीं पता लगी विधि तेरे को खबर क्या? अबे एलन मस्क ने 44.2 बिलियन डॉलर से ट्विटर को खरीद लिया। 44.2 बिलियन डॉलर, पता कितने होते हैं? पता कितने होते हैं गाइस? 1052 करोड़, मतलब समझो 1100 करोड़। आई थिंक अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो इतने में उसने एक ट्विटर को खरीदा है। और भाई फुल्ली मतलब ये एक है ना पब्लिक प्लेटफॉर्म थे जिसके शेयर्स वेयर थे भाई पूरा ऑक्यूपाइड कर गया, अब प्राइवेटाइज कर देगा, मतलब समझ रहे हैं। अब इसके 88 मिलियन वो है उसके फॉलोअर्स, अब सारे फॉलोअर पर राज उसका होगा, अब वो जो चाहे वो कर सकता है उसमें, समझ रही है? बस भगवान इतना पैसा दे दे ठीक है। सो अभी भाई आया हूँ मैं और कुणाल का एग्जाम है वैसे। कल तेरा एग्जाम है, क्या फील कर रहे हो आप? कैसा फील हो रहा है आपको? जैसा पहले हो रहा था, मतलब जैसा पहले भी खराब फील हो रहा था क्योंकि कल भी तो तुम्हारे एग्जाम में तो खराब फील हो रहा होगा? नहीं तो अच्छा फील हो रहा है। नहीं क्या कहना चाहोगे आप अपनी 10वीं के एग्जाम के बारे में, जैसे लास्ट मतलब इतने सालों बाद आप ऑफलाइन एग्जाम दोगे वो भी फुल्ली, मतलब कोई MCQ नहीं होंगे, तो कैसा फील हो रहा है आपको? अंदर थोड़ी घबराहट है, ये जनता जानना चाहती है अंदर कुछ क्या कैसी घबराहट है, मिठी वाली खट्टी वाली दोनों वाली? दोनों वाली मतलब आपको हाजमा खराब है? आप हाजमा ना खाइए। मैं आज सिखाने वाला हूँ आपको कि टाई कैसे बांधते हैं। वैसे मेरे को एक ही टाइप की टाई बांधनी आती है जो स्कूल वाले बच्चे बांध सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको अपने टाई का सबसे पतला वाला पोर्शन लेना है, उसको है ना यहाँ पे एक लाइन होती है स्कूल वाले टाइयों में खासकर होती है, वैसे ऑफिसों वाले में तो नहीं होती, तो उसको सबसे पहले इस वाले को नीचे डाल देना है इसके इस साइड से, एंड इस जो ऊपर वाला हिस्सा है ना उसको ऐसे फोल्ड करके बाहर वापस निकालना है बीच में से, तो ऐसे करके बीच में से निकाल देंगे। एंड उसके बाद ये जो बाहर जो हिस्सा निकाला है इसको नीचे से घुमाना है, मतलब समझ रहे हो? इसके बीच ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसके नीचे से वापस घुमा के, ठीक है, अंदर से नहीं नीचे से घुमा के वापस अंदर डालना है। तो इसको ऐसे ही करते रहना है जब तक आपके हिसाब की टाई नहीं बनती। तो हमारा कुणाल तो लंबा है तो उसके लिए थोड़ी मतलब लंबी टाई बनेगी, तो मैंने एक ही बार फोल्ड करा, जितने आप हो उसी हिसाब से फोल्ड कर लेना एंड उसे घुमाने के बाद अंदर से ड्रॉप कर देना उसके अंदर। भाई मेरे को ठीक से सिखाना कुछ आता नहीं है तो जैसे तुम सीख जाओ वैसे देख कर सीख लेना तो बढ़िया है। एंड इसको टाइट कर दो एंड ये आपकी टाई तैयार, इसको ऐसे करके खींच के बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी एंड ऐसे खींच दो बड़ी हो जाएगी। सो ये था सस्ता टाई बनाने का तरीका जो कि मैंने आपको बताया, तो बताना कैसा लगा आपको टाई बनाने का तरीका।
सो गाइज मैं हूँ आज तक से और मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों की रिएक्शन जानना चाहता हूँ कि जब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया तो लोगों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन लेंगे हमारे भाई साहब से। तो भाई साहब बताइए आपका क्या रिएक्शन है। भाई साहब जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है। तो इनका कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब इनको कुछ पता होता नहीं है। तो हम आ रहे हैं अपने दूसरे रिएक्शन पे मतलब लेने के लिए। तो बताइए एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया तो आपके क्या इसमें ओपिनियन है, बताइए बताइए। तो इनका इनका ओपिनियन है भगते यहाँ से। तो अब हम जाएंगे अपनी मम्मी पे। मम्मी मम्मी पता है एलन मस्क ने ना वो खरीद लिया ट्विटर को खरीद लिया। एलन मस्क पता है कौन है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। तो मैं जानती नहीं हूँ। उसने मतलब किसको खरीदा, ट्विटर को खरीदा। वो भी जैसे फेसबुक होता है ना वैसे ट्विटर होता है, तो खरीद लेते। तुम्हारा क्या है? मैं चलाती नहीं हूँ तो मेरे फोन ही ना तो मैं चला। मम्मी भी लाइक भाड़ में जाओ तुम, हमें हम नहीं बताना चाहेंगे। तो आज के जो रिएक्शन थे तो यही थे। हम आज की न्यूज को यहीं पे समाप्त करते हैं इस वाणी के साथ। तो मिलते हैं आपको कल इससे भी अच्छी न्यूज के साथ। तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं मस्त। सो गाइस अभी हो गया है 10:30 एंड अभी बहुत तेज नींद आ रही है। आई डोंट नो क्यों आ रही है ऐसी, बहुत तेज नींद आ रही है मुझे। तो फिलहाल घर में बने हैं सोयाबीन और मस्त रोटी। तो फिलहाल सोयाबीन और घी की रोटी को निपटाते हैं और मिलते हैं आपको कल इससे भी अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, बी सेफ, अपना ध्यान रखें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। डिसलाइक भी यार।